हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज अ वायर इज बेंट इन टू अ स्क्वायर। द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 121 मीटर स्क्वायर। इफ द सेम वायर इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कल, देन फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल सो फॉर्म। सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 7, That is the area of square हमें कितना given है? The area of square हमें given है 121 meter square, right? Then side of the square sorry, side of the square that is 121 का स्क्वायर कितना होता है? दैट इज 11 मीटर, राइट। लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ वायर दैट इज 4 इंटू साइड। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 4 इंटू 11 दैट इज 44 एम, राइट। देन अब निकालेंगे हम सर्कमफेरेंस। Now we will find circumference is equals to 44 m. Circumference that is 2 pi r is equals to 44 m, right? Then r equals to 44 2 into 22 upon 7 into r is equals to 44 m. हमें आर क्या करना है स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड आउट 44 इंटू 7 देन 2 अपॉन 22। तो स्टूडेंट्स ये कट हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 मीटर, राइट। फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, राइट। अब हमें आर पता चल चुका है तो हम पाई की वैल्यू आर 7 इंटू 7, 7 से 7 कट, देन 7 टू जा 14, अगेन इट विल बी 154 मीटर स्क्वायर। हमारा क्या फाइंड हो गया? एरिया ऑफ सर्कल। इफ यू वॉन्ट टू टेक स्क्रीन शॉट यू कैन टेक, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट, that is question number 8. Now the circumference of a circle, find its radius and area. Abhi humne area of circle nikala tha. Now circumference of circle hame given hai, hame radius aur area find karna hai. Again we have to leave one line, then we have to start. Next question, that is question number 8. Next question number 8, that is circumference of circle. Circumference of circle hame kitna given hai students, that is 35.2 meter. 35.2 मीटर, ये हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर, और 35.2 मीटर हमें क्या फाइंड करनी है? हमें पहले रेडियस निकालनी है फिर एरिया निकालना है। तो 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर इज इक्वल टू 35.2 मीटर। तो अब हम आर निकाल सकते हैं 35.2 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा स्टूडेंट्स, दैट इज आर इज इक्वल टू 5.6 मीटर। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है दैट इज एरिया ऑफ सर्कल।
तो एरिया ऑफ सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर 22 अपॉन 7 इंटू आर कितनी आई है, 5.6 इंटू 5.6, राइट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इनको सॉल्व करने पे, दैट इज 98.56 मीटर स्क्वायर। यहाँ से एक डेसिमल रिमूव होगा 10, यहाँ से एक डेसिमल रिमूव होगा 10, देन यू हैव टू सॉल्व दिस, योर आंसर विल बी 98.56 मीटर स्क्वायर। इफ यू वॉन्ट टू टेक स्क्रीन शॉट यू कैन टेक, बहुत ईजी है। सरकमफेरेंस गिवन था, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr, 2πr में हमें r निकालनी थी, हमने r को फाइंड आउट कर लिया, तो इससे एरिया ऑफ सर्कल भी फाइंड आउट हो गया। इफ यू वॉन्ट टू टेक स्क्रीन शॉट यू कैन टेक, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, द एरिया इज इंस्क्राइब्ड, द सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 42, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल। बहुत इजी, हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सर्कल, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायामीटर, डायामीटर ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, राइट। तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायामीटर ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, कितना गिवन है हमको इंस्क्राइब सर्कल, दैट इज 42 सेंटीमीटर, राइट। ये हमें क्या गिवन है, डायामीटर ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेडियस। तो स्टूडेंट, ये दो चीजें मिलके डायामीटर बनती है, दो रेडियस मिलके एक डायमीटर फॉर्म होती है, दैट इज 2 2 4 एंड 1 21 सेंटीमीटर, राइट। देन तो इससे क्या हो जाएगा, अब हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर सकते हैं, द एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर, तो पाई हो जाएगा 22 अपॉन 7, आर 21 इनटू 21, 7 3 इज 21, तो अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 22 इनटू 3 इनटू 21, तो हमारा स्टूडेंट्स आंसर क्या आएगा, दैट इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट you can take, and question number 10th is your homework, you have to do yourself, right? If you want to take screenshot you can take, then we will move to the next. Okay students, now move to the next, that is unit test, that is unit test worksheet. Let's start. First हम ये discuss कर लेते हैं, हमने chapter में क्या क्या read किया है. Perimeter of a figure is the boundary of a closed figure. Perimeter क्या है, एक बाउंड्री है क्लोज्ड फिगर की, राइट। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इनटू एल प्लस ब्रेथ, राइट। देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज
4 इनटू साइड. नेक्स्ट पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दैट इज 3 इनटू साइड दैट इज लेंथ ऑफ द साइड. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल इट्स 3 साइड. नेक्स्ट पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द पॉलीगन विद द नंबर ऑफ साइड. द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज नोन एज इट्स सर्कमफेरेंस. द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस एंड द डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉन्स्टेंट एंड इज नोन एज पाई. द वैल्यू ऑफ पाई क्या होती है स्टूडेंट्स? दैट इज 22/7 और वी कैन से दैट इज 3.142. नेक्स्ट अमाउंट ऑफ अ सरफेस एनक्लोज्ड ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. फिर है एरिया ऑफ साइड स्क्वायर क्या है? साइड इनटू साइड. एरिया बिटवीन टू रेक्टेंगल्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल. देन व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू द बेस इनटू करस्पोंडिंग हाइट. What is area of triangle? That is half base into height. Then what is area of circle? That is pi r square. Then area of ring equals to the area of outer circle minus area of inner circle. ये सारे questions हमने इस पे किए हैं perimeter और area पे. I hope you understand. Now move to the next. That is ting tong. And rest of this that is mental maths, oral assessment, assignments, all is your homework. Now move to the next, that is unit tests worksheet. If the diameter of a circle is d, then the circumference is. Agar diameter of circle d hai, to uski circumference kya hai? That is pi d. Kya ho gayi? Pi d. Next. If the radius of a circle is r, then the area is pi r square. Next, the base and the height of a triangle are b and h respectively. Its area is, uska area kya ho jayega? That is half bh. Next, the area of parallelogram whose base is b and corresponding altitude h is. That is BH. The base, hypotenuse and the height of a right angle triangle are B, L and H respectively. The area of a triangle is, that is area of triangle kya ho jayega students? That is half into base into height. If you want to take screenshot, you can take. Then we will move to the next. That is filling the blanks. Okay, let's start. Perimeter of equilateral triangle, that is 3 into side. Next, the circumference of a circle, radius r is, that is 2 pi r. The perimeter of square is equals to 4 into side. Next, the side of a square is dash if its perimeter is 28 centimeter. This one is your homework. The ratio of area of two circles is 16:9. Then the ratio of their radii is, again this question is your homework. Aise questions maine aapko chapter mein karwaye hain. The length of the boundary of a closed figure is called, that is known as perimeter. Now if you want to take screenshot, you can take. Then we will move to the next. That is true false. Next, that is the perimeter of circle is called circumference. That is true. The area of parallelogram is equal to half base into height. No, false. Next,
द सर्कल ऑफ अ सर्कमफेरेंस ऑफ डायमीटर इज आर डी ट्रू नेक्स्ट द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ बेस दैट इज बी हाइपोटेन्यूस एल एंड हाइट इज एच दैट इज टू इंटू एल प्लस ब्रेथ इंटू हाइट दैट इज फॉल्स नेक्स्ट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ बेस एंड हाइट इज एच देन हाफ बेस इंटू हाइट दैट इज ट्रू ओके स्टूडेंट एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट्स दैट इज सॉल्व ऑफ द फॉलोइंग इज योर होमवर्क योर चैप्टर नंबर 11 इज कंप्लीटेड दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू क्लास